तो 5 घंटे लेट है ये ट्रेन, बहुत ज़्यादा ही इस ट्रेन ने रुला दिया। एकदम पैसेंजर की तरह चल रही थी, लेकिन इस ट्रेन ने यार सच में यार बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। यही है वो इंसान जिसने मेरे जिंदगी में दखल दे रखी गंदी वाली। चाय बना के लाए हैं भाई सत्यम, हाय। ये अपने भाई निशान और इन दोनों का रूम है यार। भाई आज हमें सारी जगह घुमाएगा प्रयागराज में। कौन कौन सी जगह घुमाएगा भाई? तो फाइनली हम प्रयाग संगम जंक्शन पर आ गए हैं और ट्रेन हमारी आई है यहाँ पर 7:56, यानी कि 3 बजे उतारने का टाइम था और 7:56 मतलब 5 घंटे लेट है ये ट्रेन। बहुत ज़्यादा ही इस ट्रेन ने रुला दिया, एकदम पैसेंजर की तरह चल रही थी। तो नमन को मैंने अभी कॉल किया, मैंने कि नमन आजा मुझे जंक्शन पर लेने। तो नमन बोला नहीं भाई मैं रात भर तेरी वजह से जगा, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ही आलस में हूँ, मैं रैपिडो कर दे रहा हूँ। तो उसने रैपिडो कर दिए, रैपिडो मेरी बाहर जंक्शन के खड़ी हुई है, वहाँ मेरे को रैपिडो मिल जाएगी। वहाँ से फिर रैपिडो से मैं नमन के पास जाऊँगा और वहाँ से देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। अभी तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ प्रयागराज, लेकिन इस ट्रेन ने यार सच में यार बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। लग नहीं रहा था कि इतना लेट कर देगी, लेकिन ये 5 घंटे लेट हुई, फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और सीन कुछ ऐसा है यहाँ का, मौसम बहुत अभी सही है, इतनी गर्मी नहीं है। रात में तो खूब ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मेरे को, और अब इतनी ठंड नहीं है, गर्मी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे जैसे दिन होता जाएगा। तो मिलते हैं आगे। रैपिडो वाले भैया मिल गए, जा रहा हूँ नमन के पास और नमन से मिलते हैं, फिर उससे पूछते हैं क्या सीन रहता है। और ये देखो कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर संगम पर लोग घूमने आते हैं, स्नान करने आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और घूमने लायक है। मैं तो यहाँ बहुत टाइम बाद आया हूँ, बहुत टाइम पहले यहाँ पर मैं प्रैक्टिस की मैंने एक करीबन 6-7 महीने हाई कोर्ट में। उसके बाद अब मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ अपने लाइसेंस की वजह से। यही है वो इंसान जिसने मेरे जिंदगी में दखल दे रखी गंदी वाली। साला बुला के ही माना है प्रयागराज और क्या। मैंने कहा था इससे कि मैं नहीं आऊँगा, ये बोला नहीं तुझे आना पड़ेगा। और फाइनली मैं आ गया। नींद कैसी रही रात की? भाई सोया ही नहीं रात भर, ऐसे लगा ट्रेन 3 बजे आएगी लेकिन ट्रेन 8 बजे आई है। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं नमन निशांत के रूम पर। तो अभी हम हैं निशांत के रूम पर और हम पी रहे हैं अभी चाय। चाय बना के लाए हैं भाई सत्यम, हाय। ये अपने भाई निशांत और इन दोनों का रूम है यहाँ। ये लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। कौन से कॉलेज में हो? क्या कोर्स है तुम्हारा? एमएससी प्लांट पैथोलॉजी। और भाई दोनों कितने टाइम से यहाँ पर? लगभग 1 साल। 1 साल हो गए इन लोगों को। अरे यार नमन, जिसके सारे कारनामे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इसने ही किए जो हरकतें की हैं, इसने बहुत परेशान किया मुझे।
तब तो इतनी खुशी में ब्लॉग बना रहा है जब मैंने इतना परेशान भाई इतना गौर मत करना इसकी बातों पे, बहुत मैनिपुलेट करता है ये। नहीं 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 भाई, अब आज हमें सारी जगह घुमाएगा प्रयागराज में। कौन कौन सी जगह घुमाएगा भाई वो देखते हुए पता चलेगी आपको, आगे ब्लॉग में सब पता चल जाएगा। भाई ने आज सारा प्लान किया है कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे जाना है और क्या क्या करना है आज। तो मिलेंगे आगे प्लान में, आप देखते रहिए ब्लॉग में, आगे देखते जाओगे आप क्या क्या करना है हमें, क्या क्या करेंगे हम। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम निकल चुके हैं कौन से घाट के लिए, अरेल घाट के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं। पहले हम कॉलेज जा रहे थे लोगों के, लेकिन उन्होंने कहा कॉलेज तो रात भर खुला रहता है हमारा, कभी भी एंट्री करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है पहले घाट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे देखने को। टाइम हो रहा अभी 5:15 सुबह से रूम में ही पड़े थे, बहुत देर से कह रहा हूँ मैं लोगों से चलो चलो चलो, पर ये लोग इतने हालत तोड़ रहे थे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घाट पर, वहाँ पर फोटोज वोटोज क्लिक करेंगे, पिक्चर्स वगैरह। तो अरे छोटी सी जान कहाँ निकल पड़ा तू, दब जाएगा। और तुम लोगों का कॉलेज यही शुरू हो जाता है ना यहाँ से, इन लोगों का कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, देखो पास में 1000+ acre में है। कितना 1000+ acre में है कॉलेज, और कितने ब्रांच है इसमें, बहुत सारा है, लगभग 50 ब्रांच है। अरे बहुत सही। तो यहाँ पे देखते हैं आज का सीन, और कौन सी हॉन्टेड प्लेस बताई थी यहाँ पर, नैनी, वहाँ पर जेल भी है, वहाँ पर हॉन्टेड प्लेस है। जैसे बरेली में एक जेल रोड था वहाँ पे हॉन्टेड प्लेस थी, यहाँ भी हॉन्टेड प्लेस है। ओल्ड नैनी ब्रिज है, और ये पूरा एरिया जितना भी है दूर दूर तक दिख रहा है, ये सब इसी कॉलेज का है। क्या नाम था कॉलेज का, हिगिम बॉटम। और ये देखो ओल्ड नैनी ब्रिज, ये पुराने टाइम का बना हुआ है बहुत ज्यादा, और ये देखो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है। कितना किलोमीटर का तो होगा ये, 1.5 किलोमीटर का है भाई, देखो दूर दूर तक ये। तो ओल्ड ये है, और न्यू किस साइड है, न्यू आगे हमें मिलेगा देखने को, शास्त्री ब्रिज करके बोलते हैं। अच्छा दादा अलाहाबाद में अच्छा है सब कुछ देखने लायक तो है। ये देखिए अरेल घाट 3.5 किलोमीटर यहाँ से, ये पूरा यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर है पूरा। और ये देखिए ये है न्यू है, ये न्यू है, मतलब बहुत सी चीजें यहाँ ब्रिटिश टाइम की भी बनी हुई है इस एरिया में, ज्यादा है कुछ इधर ज्यादा है, ये सिटी से बाहर है। तो ये ओल्ड में आता है या न्यू में, ओल्ड ही है एक तरह से। ये क्या है, इतना बढ़िया सा घाट सा दिख रहा है, ये कौन सा घाट है, ये कौन सा संगम का है। और शाम के टाइम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है भाई। मैं पहले 6-7 महीने रहा अलाहाबाद में, लेकिन मैंने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा, कहीं जा ही नहीं पाया मैं हाई कोर्ट की वजह से, हाई कोर्ट से रूम, रूम से हाई कोर्ट। नमन से बहुत बार बोला भी मैंने, लेकिन वो कहीं लेके ही नहीं गया ऐसा कहीं। यार मैं नहा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे कुछ रिचुअल्स हैं, मतलब शादी के बाद 1 साल तक लड़के नहा नहीं सकते, लड़के के घर वाले नहा नहीं सकते गंगा जी, वरना मैं पक्का नहा के जाता। नमन की भी इंगेजमेंट हो गई है तो वो भी नहीं नहा सकता। देखो नमन कहीं पीछे रह गया, अभी दिख भी नहीं रहा है, दिख गया। ये देखो पूरा स्लो मोशन में फील लेते हुए आ रहा लौंडा, क्या क्या पान खा रहा है क्या यार, पान खाना है मेरे को। अरे हाय भाई, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ तो व्यू पूरा पूरा। ये है संगम घाट है, मतलब दोनों नदी वो वहां से आ रही है गंगा और ये जमुना। अभी दूर से देख लो, अभी अंदर जाके पास से पूरा दिखाएंगे तुम्हें व्यू। और यहाँ कहीं पान का अगर मिल जाए देख स्टॉल स्टॉल, अरे तो वहाँ रोक लेना। यहाँ पे हम लोग बाइक पार्क करेंगे। ये यहाँ देखो बहुत से टूरिस्ट हैं घूमने आए हैं,
हम भी घूमने आए हैं। अरे वाह 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 वाह, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम है। ये देखिए क्या बात है, शाम के टाइम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये।